अपने बालों में जटाएं बनवा रहा है, क्या कहते हैं इसको, डेड लॉक्स ना। आज एक नई चीज पता लगी मेरे को, लगता था ये नकली हेयर होते हैं लेकिन भाई कह रहे हैं ये असली ही होते हैं, मतलब किसी ब्यूटी पार्लर से ले लिए, यहाँ वहाँ से ले लिए। ये चाबी मिली क्या? नहीं मिली चाबी, ताला वो लोग तोड़ना पड़ेगा ना। बहुत सारे काम पेंडिंग चल रहे हैं, अपनी नई दुकाटी की डिलीवरी भी लेनी है, गाड़ी धोनी है, बाइक धोनी है, आराम से यहाँ धो सकते हो। ये देखो धो रहे हो, रेनबो बन रहा भाई, कितना बढ़िया रेनबो। देखो जैसे इस बच्चे ने कोनी बाहर निकाली हुई है ना, अंदर ऐसे पहाड़ों में कोनी मत निकाला करो। ये देखो ट्रक कितने पास से निकल रहा है। ओ भाई साहब धूम मचा ले, पल्सर चला ले। वो व्यू देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है बादलों में से रोशनी निकल के आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे। अब ये मेरे साथ ही घूमेगा ऐसे। देखो भाई आपको गुड मॉर्निंग तो बोलूंगा नहीं क्योंकि रात के हो रहे हैं 10:15, और गुड नाइट भी नहीं बोलूंगा क्योंकि हम एक करने वाले बहुत ही बेहतरीन काम। क्या करने वाले हैं अभी आपको बताते हैं। ओ समीरन सो गया क्या? हम कराने वाले हैं, जो हमारा वकील है ना उसके बालों में कुछ काम। अब क्या कराने वाले हैं अभी बताते हैं। हाँ वो आ जा भाई, वो आ गए हैं बाल बनाने वाले। वकील बताना चाहेगा तू क्या कराने वाला है? सही टाइम पे आ गए, इतने बजे ही बोला था। तो वकील अपने बालों में जटाएं बनवा रहा है, क्या कहते हैं इसको, डेड लॉक्स ना। डेड लॉक्स। तो ये भाई हमें मिले थे राइड करते हुए, तो भाई के डेड लॉक देख के इसने पूछा। भाई का नाम बॉब है और भाई का काम भी यही है, तो भाई आज इनके डेड लॉक बनाने वाला है। 20 बाल 30 बाल कितने? 15 तो कम हो जाएंगे, कम से कम 20 अच्छे लगेंगे, 20 से ज्यादा बढ़ा सकता है, कम नहीं कर सकता। और ये देखो गेम खेल रहा है। हाँ 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 भाई है ना रोशनी। तो पहले वकील महाराज कह रहे थे कि अपने को जो डेड लॉक चाहिए ना यहाँ यहाँ तक चाहिए, मतलब यहाँ से थोड़े नीचे। अब इसने बंधवाने शुरू कर रहे हैं तो यहाँ तक ही करवा रहा है, फायदा क्या? फिर ये दिखेंगे ही नहीं कोर्ट में, सही लगेगा ना? नहीं नहीं बांध के जा सकता ना, बांध तो सकते हैं ना इसको, बांध सकते हैं, कोई बांधने में तो दिक्कत नहीं है। अरे इतना वजन बाल है, कोई वजन थोड़ी है, इनका वजन थोड़ी होगा, हल्के हल्के तो होंगे। लेकिन आपके तो बहुत बड़े हैं ना। चलो ठीक है देखते हैं, पहला शुरू हो गया, टाई होना ना। बस सीखते टाइम ऐसा कि आर पार भी हो जाता है। ओके अच्छा, ये सुई भी आर पार हो जाती है हाथ से सीखते टाइम। तो इसको डेड लॉक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये देख रहे हो इसके अंदर लॉक हो रहे हैं, लॉक हो रहे हैं। हां जी ये बाल उन बालों के अंदर लॉक हो रहे हैं, और जिनके ओरिजिनल बाल होते हैं बड़े बड़े उनके उसी बाल के बन जाते हैं। हां सेम प्रोसेस होता है उनका भी, ऐसे ही होता है। अच्छा उसी बाल के? हां जी। इसके हम लगा रहे हैं नकली? नहीं ये भी ओरिजिनल है, ऐसा नहीं, ओरिजिनल हेयर है। अच्छा ये ओरिजिनल हेयर ही है? ओरिजिनल हेयर है। ओके सुंदर बाबू बन के जाएगा, घर वाले इसको फिर नहीं पहचानेंगे। ये ना अभी हमें रस्ते में मिले थे, जब हम ऊपर जाते हैं ना सरायकोटी मंदिर, तो हमें रस्ते में मिले थे, तो बाय चांस की बात है, कहते हैं ना भगवान होता है मिलाने वाला, तो बाय चांस की बात है ये रुके। बाय चांस पहले मैं रुका, फिर इन्होंने मेरे को बचाने के लिए, अरे प्रभजोत फोटो वोटो क्लिक कराई, जैसे भाई ने हेलमेट उतारा तब मेरे को दिखा डेड लॉक। इतने में पीछे वकील भी था, वकील ने बोला कि भाई मेरे को भी करवाने हैं, वो करते करते प्लान बन ही गए और करवा भी लिए। तो इसको कहते हैं भगवान ऊपर वाले का मेल, सब कुछ लिखा होता है जो होता है ना। तेरे को जज सुनी बना देंगे एकदम से। मेरे को कह देंगे हिमालय पे जा और तपस्या कर। तपस्या तो तू वैसे ही बहुत करता है, तपस्या करता है, जैसे हम भगवान का नाम लेते हैं ना, राम 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 राम, ये लेते हैं प्याज 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 प्याज, सही में बहुत प्याज खाता ही है ये। देखो भाई एक बन चुका है, 20 और ऐसे बनेंगे भाई। हल्का इसको और बड़ा कर दो, हल्का सा ना, बड़ा सही लगेगा। अरे सही लगेगा, दिखे तो सही। ये तो देखिए तेरे बाल में छुप गया, इधर देख, यहाँ तक बनेंगे तो दिखेंगे। चलो ठीक है जैसा ठीक लगे, हल्का में करो, इतना इससे इतना बड़ा हो जाए। सही नहीं इससे ये देखिए तेरे जो पुराने बाल है ना उससे भी यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक ही यहाँ तक। अच्छा जो पीछे लगेंगे वो यहाँ तक जाएंगे ना, वो यहाँ तक जाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, फिर तो ठीक है। और मेरे को आज एक नई चीज पता लगी, मेरे को लगता था ये नकली हेयर होते हैं लेकिन भाई कह रहे हैं ये असली ही होते हैं, मतलब किसी ब्यूटी पार्लर से ले लिए, यहाँ वहाँ से ले लिए, फिर उसको बनाया जाता है, रख रख के नीचे जोड़ा जाता है। चलो सही है, वकील के वैसे बाल तो लंबे नहीं हो रहे थे, ऐसे ही सही। कितनी बन गई है? 5 देखो 5 बन गई है, और सही में बढ़िया लग रहा है भाई। दिखाना एक बारी 5 कौन कौन सी, मतलब उठा के एक बारी। ये देखो 2 3 4 और ये 5, बढ़िया है। धीरे धीरे टाइम बीतता जा रहा है और हमारा वकील रेडी होता जा रहा है। रात के 12:15
मेरे को लग रहा है 1.5-2 बज जाएंगे। इसके ऐसे सेक्शन बनना जरूरी है। हाँ, ये सेक्शन बनेंगे तभी सुंदर लगेगा ना, ये वाले सेक्शन ना। देखो भाई सीन ऐसा, रात के बज रहे हैं 2, मेरे को लग रही थी तगड़ी भूख, मैं आया था यहाँ पर कुरकुरे खाने के लिए, और देखा इसके भी 12-13 बाल हो चुके, 3-4 और होंगे फिलहाल, अच्छे लग रहे हैं। बड़ी इधर उधर करी मुँह, हाँ यहाँ से लुक देखो कितनी बढ़िया लग रही है। तो मेरे को लग रहा है अभी 3 बाल करने में और आधा पौना घंटा लगेगा ना। चलो ठीक है भाई, मैं जा रहा हूँ सोने, गुड नाइट, मेरे को आ रही नींद, अब तेरे से मिलेंगे सुबह वकील, गुड नाइट भाई। भाई अपने को लग रही तगड़ी भूख, मेरी एडिटिंग अब जाए खत्म हुई है, समीरन अभी भी बैठा हुआ है। भाई साहब 12-13 बाल हो गए उसके, बढ़िया लग रहा है, कोई बात नहीं, और बहुत बाकी है मेरा भी। अच्छा अभी तो बैठेगा इसका एडिटिंग बचा हुआ है, मेरा खत्म हो गया, और मेरे को तगड़ी नींद आ रही, मेरे को ना झपकी आ रही थी, फिर मैंने सोचा सोने से पहले एक बार जाके उसको देख आता हूँ। और इन्होंने चार्ज करा 100 रुपये पर बाल, मतलब अगर 20 बाल लगवाते तो 2000 रुपये, 15 बाल लगवाते तो 1500 रुपये, मतलब 100 रुपये से मल्टीप्लाई कर लो। बाकी इसने 20 बाल का बोला था कि 20 बाल लगवाएगी, लेकिन 15 बाल भी ना उसका सर पूरा हो गया, मतलब नीचे 3 बाल और आएंगे, प्रॉपर बढ़िया हो जाएगा। बाकी अब सुबह दिखाएंगे आपको, गुड नाइट है भाई, नींद आ रही है। मैं कुरकुरे खा के आया हूँ, भूख लग रही थी, ये बैठ के लेट खा रहा है, थोड़े से लेट भी दे दे। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। रात को सोते सोते 2:30 बज गए थे इन भाई साहब की वजह से। क्या बात है, मतलब क्या ही लग रहा है यार, एकदम शानदार, एकदम तहलका। तेरे को घर में घुसने देंगे नहीं देंगे पहले बता दे, घर वाले खुश हो जाएंगे ना देख के नया रूप। कह रहा मैंने इसको बोला भाई करवाए हैं ना, पैसे खर्चे हैं, कम से कम इसको महीना चलने दियो। कह रहा नहीं 7-8 दिन में उतार दूंगा, नहीं नहीं कम से कम महीना, लोग भाई सालों चलाते हैं। जो भाई आया था जिसने कर रखे थे उसके तो ओरिजिनल थे, 6 साल से करे हुए हैं, हाँ तो 6 साल, कम से कम 1 महीना तो चला। बाकी अभी का सीन क्या है, हम जा रहे हैं यहाँ से दिल्ली के लिए, कोशिश करेंगे यार दिल्ली पहुँच जाए, कोशिश करेंगे, अगर ज़्यादा लेट हो गए तो अम्बाला रुक जाएंगे, चंडीगढ़ रुक जाएंगे, प्लान कर लेंगे, लेकिन पहले यहाँ से निकले तो सही। सांस इसलिए चढ़ रही है, एक्सरसाइज कर रहा था, बैग वैग पैक कर दिया, जब तक ये रेडी होते हैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करता हूँ, प्रोटीन पीता हूँ, फिर यहाँ से निकल लेंगे। जब भी राइड पे आते हैं ना बाइसेप्स वाइसेप्स कम हो जाते हैं, पूरा दिन बाइक चलाते ना खाने पीने का ध्यान नहीं रखता। वो तो पिंक बस आ रही है, पिंकी है इसका नाम, पिंकी, हाँ जयपुर में बहुत चलती है ना पिंक बस। दिखा तेरा साइड लुक दिखा, हाँ अरे हाथ मत लगा ना, हाँ उधर उधर मुंडी कर, अब पीछे घूम, ऐसे घूम भाई साहब, अभी हेलमेट पहनेगा ना तो रबड़ उतारेगा, फिर दिखाएंगे, बढ़िया लग रहा है, पहचाना नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ नया वकील आ गया कोई। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे आप, बाल कैसे लग रहे भाई के, अब ये भाई है बहन नहीं है, दिखा फिर से दोबारा से भाई साहब। लो आगे हमारे ब्रेड टोस्ट, मिल्क, चाय। लो जी हम लोग हो चुके फुल रेडी, सारा सामान वामान बाहर निकाल लिया है, सारे बैग वैग। चले भाई, हाँ बढ़िया लग रही है टोपी, चले भाई चले, चाबी नहीं मिल रही इसकी भाई, कब उतारती लास्ट, कल कार गई थी ये पता नहीं है, चाबी भूल जाता है। एक चीज मैं आपको और बताऊं, हेलमेट रख के जो मैं पहले बता ही दूं, अगर आपको याद होगा ना हम कुवार में थे जहाँ इसकी बाइक की चाबी नहीं मिल रही थी, इसकी बाइक की चाबी पता कहाँ मिली थी, जहाँ हम चाय पी रहे थे ना उसके डस्टबिन में, इसने अपने प्लेटों के साथ समोसे खाए थे, प्लेटों के साथ डस्टबिन में डाल दी थी, फिर मैंने बोला वीडियो में बताऊं, करे मत बताओ वीडियो में अच्छा लगता ये है वो, आज फिर इसने चाबी खो दी। हम इसको परेशान नहीं करते, खुद ही परेशान होता, हमें भी करता भाई साहब। बैग खोल ले सारे दोबारा से, इस वाले बैग में देख ले, हरे वाले बैग में, जैकेट की पॉकेट में देख, पैंट में देख, हर जगह देख। लो जी लो सारे बैग नीचे आ गए, बैग बांधने की तैयारी है। चाबी मिली क्या, नहीं मिली चाबी, ताला वो लोग तोड़ना पड़ेगा, चल देख लेंगे क्या करेंगे, और क्या बैग बंधवा दो यार है देखो 10 मिनट से बैग बांधा था, दोनों रस्सी ऐसी लटकी हुई है, चाबी खो दी है और बैग बंधवा दो, चल ठीक है मैं बंधवाऊंगा तेरा बैग, लास्ट दिन है ना अपना, हाँ आज लास्ट दिन है इसलिए बंधवा रहा हूँ, सेकंड लास्ट होता फिर ना बंधवाता, वैसे आज सेकंड लास्ट दिन है, मेरे को लग नहीं रहा दिल्ली पहुंचेंगे हम, मुश्किल है। चलते ही जा रहे हैं, चलते ही जा रहे हैं, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे, चैन फिर जा रहे हो, रुक जाओ मैं बोलूंगा तब जाना, हाँ मैं बोलूंगा ना तब जाना भाई, भाई ने आगे पूरी चेन ही निकाल दी। चलो अब धीरे से चलो, हल्का सा आगे चलो, चलो चलो बस हल्का सा चलते जाओ, चलते जाओ। लो भाई सबका बैग सेट, मैंने 2 बैग बांधे अपनी बाइक पे भी और इसकी बाइक पे भी, दोनों बांधने के बाद अब हल्का हल्का पोहा खाएंगे, पोहा बनवा लिया है, एक ही बार निकलेंगे, कम से कम 700 किलोमीटर बाइक चलाएंगे फिर रोकेंगे, दिल्ली 500 ही है लेकिन 700 चला देंगे, जयपुर निकल जाएंगे ना सीधे। लो भाई पोहा खा लिया, फ्राइड राइस खा लिया, ये लास्ट चम्मच गई फ्राइड राइस की,
इसने फ्राइड राइस खाए हैं, पोहा और फ्राइड राइस थोड़ो मिक्स मिक्स थोड़े थोड़े, और मैंने खाए हैं खाली फ्राइड राइस। अब यहाँ से निकल रहे हैं, लेकिन एक दिक्कत है, वकील हमारे साथ नहीं जा रहा। वकील कह रहा है मैं कल आऊँगा, क्योंकि उसको अपनी बाइक की चाबी बनवानी है। तो हमें मिलेगा अम्बाला या दिल्ली? कहाँ मिलेगा? अम्बाला मिलेगा, दिल्ली मिलेगा सीधा। पहले बोल देते, मैं चार दिन पहले निकल जाते तो दिल्ली मिलते। तो फिर तो चाबी क्यों नहीं ढूंढ रही थी देर से? आराम से बैठा हुआ है, मिल नहीं रही, चार तरफ देख ली, चारों तरफ। भैया एक बार रूम में देख लो क्या आप अच्छे से। नहीं, ये साथ में मिला। ये लो भैया, अभी गए थे ना कपड़ा चेक करने, का चाबी कहाँ से मिली? बेड के नीचे। सच्ची अच्छी बताओ, बेड के नीचे से मिली। बेड के नीचे क्यों जाएगी? क्यों जाएगी अपने पास ये? और ये अच्छा चले, ये सच्ची अच्छी बता दे, ये किसने पहना था लास्ट? मैंने पहना था। अब ये भी तो कमरे से मिल रहा है। ये भैया तो तेरे बैग से निकाल के लेके नहीं गए होंगे, ये भी बेड के नीचे ही था। ले, ये भी लास्ट जितने पहनता। शुक्र है मिल गई, थैंक यू भैया, थैंक यू। अगर ना मिलती ना भाई, बड़ी दिक्कत आने वाली थी, पता नहीं फिर क्या करते यार। जब से इसने बाल करवाए ना, रात से इसमें आत्मा आई हुई है, जो निकल नहीं पा रही है। चलो 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 चलो, लेट्स गो, चलो बाय बाय सबको, बाय 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 बाय। चलो जी, निकल गए हम यहाँ से, और यहाँ से शिमला हो, मैंने गूगल मैप लगाया नहीं। देखो रास्ता तो अपने को पता है, सीधा सीधा ही रास्ता है, लेकिन गूगल मैप लगाने का फायदा क्या होता है ना, अपने को टाइम पता लगता रहता है कि हाँ भाई इतना टाइम लगेगा वहाँ पहुँचने में, इतने घंटे रह गए, इतने मिनट रह गए, तो थोड़ा और ईजी हो जाता है। कोई नहीं, नीचे चलते चलते लगा लेंगे। लो जी, चलते चलते गूगल मैप भी लगा लिया। अभी मैंने इसमें शिमला लगाया, शिमला पहुंचने के बाद अम्बाला लगाऊंगा, फिर अम्बाला से दिल्ली लगाऊंगा। और शिमला दिखा रहा है 6 बजे, शाम को 6 बजे तो हम लोग शिमला पहुंचेंगे। 4 घंटे 35 मिनट, सिर्फ 156 किलोमीटर है। रास्ते में जाम मिलेगा पक्का, क्योंकि अगर 4.5 घंटे दिखा रहा है 150 किलोमीटर को, तो जाम वाम होगा, थोड़ा बहुत रास्ता ख़राब होगा। कोई नहीं, पहुँच जाएंगे धीरे धीरे। जब तक पहाड़ों में नज़ारों के मजे ले लो, बढ़िया मौसम के मजे ले लो। तो कल जब हम सरायकोटी मंदिर गए थे, यहाँ से सीधा गए थे, लेकिन अभी हम ज्यूरी होते हुए जाएंगे। यहाँ से ज्यूरी आएगा, फिर रामपुर आएगा, फिर शिमला आएगा, नहीं नहीं उसके बाद नारकंडा भी आएगा, कुफरी भी आएगा, फिर शिमला आएगा। हेलो डोगो, 1 2 3, ये रहा चौथा। और जैसे जैसे नीचे उतर रहे हैं ना, मौसम गर्म होता जा रहा है, और अब हमें मिलेगी कुफरी में ठंड। जब कुफरी चढ़ेंगे, नारकंडा चढ़ेंगे ना, तब वहाँ ठंड मिलेगी। लेकिन नज़ारे भाई साहब एक नंबर है, एक नंबर। पहाड़ों से जाते हैं ना तो मन नहीं करता जाने का, ऐसा होता है कि यहीं रह ले, थोड़ा और घूम ले। लेकिन ठीक है, घर भी जाना है, बहुत सारे काम पेंडिंग चल रहे हैं, अपनी नई दुकाटी की डिलीवरी भी लेनी है, और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं। एक चीज़ तो मैंने आपको बता दी है, दुकाटी की डिलीवरी हम लेने वाले हैं, एक तो बड़ा सरप्राइज ये है, और भी बहुत सारे सरप्राइज हैं जो धीरे धीरे बताएंगे, तभी मज़ा आएगा। आगे जा रही है पुलिस की बस, और रास्ता बहुत छोटा है, हम लोग आगे ही नहीं निकल पा रहे, और बार बार मोड़ आ जाता है ना, कभी यहाँ कभी वहाँ, जितनी बस है उतना ही रास्ता है। फ़ोन मैंने एक आधा मारा, भाई साहब को पता तो लग गया हम पीछे आ रहे हैं, अब कहीं जगह निकलेगी तो हमें निकालेंगे आगे, नहीं तो चलते जाएंगे पीछे पीछे धीरे धीरे। कभी कभार ऐसा लगता ना, सामने वाला बंदा जान के साइड नहीं देता, वो दे दी दे दी दे दी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हमें लगता है ऐसा। लेकिन जो बंदा चला रहा होता है ना, उसी को पता होता है कि कब साइड देने की बारी आएगी, तभी वो देगा। वो ये पेड़ देखो कितना सही लग रहा है ना, हाँ ये बेल वाले पेड़ ना बड़े सही लगते हैं, ऐसे लटके होते हैं ना, और रात को देखने में डर भी लगता है, इनको दिन में सुंदर लगता है, रात को डर लगता है। जिप्सी का सही लग रही है। ओ भाई साहब, गाड़ी धोनी है, बाइक धोनी है, आराम से यहाँ धो सकते हो। ये देखो धो रहे हो, रेनबो बन रहा भाई, कितना बढ़िया रेनबो बन रहा है। पता नहीं गोपुरों में नज़र आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, इसके नीचे 2 मिनट बाइक खड़ी कर दो, मस्त धुल जाएगी। लेकिन अपने को धोनी नहीं, अपन निकल लेते गोली की तरह। ओ भाई साहब, गोली की तरह निकले तब भी गीले हो गए, ये देखो पूरे राइडिंग जैकेट वैकेट सब गीला हो गया। कोई नहीं, लेकिन मज़ा आ गया। ये देखो एक और बेल का पेड़ कितना सुंदर लग रहा है। चलो आज आपको एक चीज़ और बताता हूँ, बहुत सारे बंदों को नहीं पता होगी, जितनी भी वीडियो देख रहे होंगे ना, यहाँ पर एशिया का नंबर 1 पावर प्लांट है, 1500 मेगावाट का, एशिया का नंबर 1 जो इतनी हाइट पे बना हुआ है, 1500 मेगावाट। वैसे वो 2300 मेगावाट का बना रहे थे, लेकिन कोई टेक्निकल एरर आ गई थी जिसकी वजह से उनको 1500 मेगावाट करना पड़ा। वर्ल्ड का 2nd नंबर पे आता है, वर्ल्ड का 1st नंबर पे कोई और है। अगर 2300 मेगावाट का बन जाता ना, तो वर्ल्ड का नंबर 1 पे हो जाता, लेकिन वो बन नहीं पाया था, कुछ इशू आ गया था, और किसी पहाड़ के अंदर है, तो हमारे पास परमिशन भी है उसको देखने की, लेकिन अंदर ना जाके वीडियो नहीं बना सकते, इसलिए मैंने उनको मना कर दिया। मतलब मैं देख पाऊंगा, आप लोग नहीं देख पाओगे, तो मेरे को देखना ही नहीं है। वैसे मैंने देखा हुआ है, जब हम उरी गए थे मैं और साहिबाना,
तब हमने देखा था, याद है पहाड़ के अंदर पूरा पावर प्लांट बना हुआ था, और वो मेरे ख्याल से 800 या 1000 वॉट का था। और भाई साहब इतना बड़ा पावर प्लांट, आपको लगेगा नहीं आप पहाड़ के अंदर घूम रहे हो, आपको ऐसा लगेगा पता नहीं कहाँ ही बना रखा, और पूरा पहाड़ को खोखला करके बनाया होता। तो यहाँ पर ही बना हुआ है, हमें परमिशन थी लेकिन हमने बोला नहीं हमें विजिट नहीं करना। लेकिन बहुत फक्र की बात है कि एशिया का नंबर वन का पावर प्लांट है ना वो यहाँ पर पड़ता है, ज्यूरी की साइड ना, हाइड्रो पावर प्लांट। आप सच भी मारोगे ना आपको पता लग जाएगा 1500 मेगावाट का है। ये आई थिंक मंदिर बना हुआ है कोई आगे ना, वो क्या सही लग रहा है, ऐसे मंदिर नेपाल भूटान में देखने को मिलते हैं ना ऐसी शेप के, हाँ मोनेस्ट्री होगी, क्या सही लग रही थी। लो जी हम लोग पहुंच चुके हैं जूरी, और रामपुर यहाँ से है 23, शिमला है 153, अभी भी 153, वो गलत दिखा रहे कि अंबाला 298, अगर अंबाला पहुंचना तो अपने को 300 किलोमीटर चलानी पड़ेगी, और शिमला महादेव कितना दिखा रहा था 153, और यहाँ देखो 144 दिखा रहा है, पता नहीं कहाँ से आता है डिफरेंस, कहीं ना कहीं से तो आता है। चलो भाई खींचे, चलो चलो थोड़ा खींच लेते हैं, रोड बढ़िया है ना, जितना आगे लगा सकते हैं लगा देंगे, शिमला तो कम से कम नीचे उतर ही जाए। लो जी यहाँ दिख गया था अपने को पेट्रोल पंप, चारों बाइकों में फुल करवा लेते हैं। ओ देखो 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 भाई साहब क्या है ये साहिबा को वहाँ रोड के बीच में खड़ा करके आया हूँ, तब भी वकील सीधा निकल गया था, आसपास देखता ही नहीं है बिल्कुल इसने आवाज मारी ओए, तब जाके वो रुका है, सीधा कहाँ जा रहा था, दिखी नहीं थी तेरा हाथ जोड़ रहा है, दिखी नहीं थी तेरा खड़ी हुई है हेलमेट तो खोल एक बारी मैं देखूं पहले तेरी आंखें बंद है खुली हुई है हंस रहा अंदर, आंखें बंद करके चलाता है क्या, दिखी नहीं थी तेरे को ऐसे गोली की तरह कहा जा रहा था, गोली की तरह भाग रहा चल दे ताली सी बात पे, तेरी नाक काली भैया फुल कर दो, चारों बाइकों में, चारी बाइकों में कह रहा हूँ भाई जी, वही है ना पेटीएम वो वाला कोने पे जो पड़ा, शोभन शोभन, चलो ठीक है बस ठीक है 2200 पे रोक दो, बहुत है बहुत है, 6, 6, 12, 6, 18, 6, 24, 550 के हिसाब से एक बाइक में पेट्रोल आया, सही है थोड़ा बहुत पेट्रोल था अभी, 2200 का टोटल पेट्रोल आया। हमारे सेम कलर की जिप्सी, ऐसा लग रहा था हमारी जा रही थी ग्रे कलर की ना, अरे यार फ़ोन फिर से जेब में डाल लिया, जब भी फ़ोन यहाँ से बाहर निकालता हूँ ना जेब में डाल लेता हूँ, गूगल मैप लगाता हूँ दोबारा, धीरे धीरे ना टाइम बढ़ता जा रहा है, पहले 5:30 दिखा रहा था, 554 दिखा रहा है, चंडीगढ़ 273 किलोमीटर, जैसे ऐसे पेट्रोल डलवाया रास्ते में 2 मिनट के लिए रुके 5 मिनट के लिए रुके, मेरे को लग रहा है शिमला पहुंचते पहुंचते हम लोग अंधेरा कर देंगे, 7-1 बज जाएंगे शिमला पहुंचते पहुंचते ही, अगर बीच में नहीं रुकेंगे ना तब तो पहुंच जाएंगे टाइम से। रोड तो सुंदर है, लो जी हम लोग पहुंच चुके हैं झाकरी, यहाँ पर थोड़ा ऑफ रोड पैच मिलता है, और जो मैं आपको हाइड्रो प्लांट बता रहा था ना वो झाकरी में ही पड़ता है, अब झाकरी के बाद रामपुर आएगा, यहीं कहीं है किसी पहाड़ के अंदर ना, अपने को प्रॉपर नहीं पता लेकिन ये पता झाकरी में है। लो जी पहुंच गए हम लोग रामपुर बुशर, इसको रामपुर भी कहते हैं बुशर भी कहते हैं, दोनों चीज़ें कहते हैं, यहाँ कोने से निकल जाते हैं, यहाँ थोड़ा बहुत अपने को जाम मिलेगा, यहाँ से भी है जगह, वहाँ से भी है जगह, साहिबा वहाँ से आ रही है, हम यहाँ से जा रहे हैं, बाइक होती ना निकल जाती कहीं पर भी, तगड़े वाला जाम लगाओ ना रोड छोटी हो फिर बाइक भी फंस जाती है, ये तो रोड थोड़ी चौड़ी है ना, आराम से बाइक साइड से निकल रही है, और नीचे प्लेग्राउंड है भाई रामपुर बुशर का प्लेग्राउंड, ये देखो ये देखो 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 रास्ता पूछ रहा पुलिस वाले से, इसको ये नहीं पता हम पीछे हैं, ओ अंग्रेज तेरे को रोड पे दिखे नहीं थे फिर खड़े हुए, पुलिस वाले से रास्ता पूछ रहा था भाई साहब, साधना का फोन आ रहा है साधना का घर से हेलो हाँ साधना क्या करने आए हैं भैया, कौन से भैया आए हैं बात करा, घर पे कोई भैया आरसी लेकर आए हमारी बाइक की, नई बाइक की आरसी आई होगी ना तो इसलिए वो बात करा रही थी, आरसी ऐसे किसी और को देते नहीं ना, जो बंदा खुद होता है वो अपना आधार कार्ड दिखा, तो मैंने भैया को बोल दिया कल ले आना कोई दिक्कत नहीं कल हम पहुंच जाए घर, कह रहे ओके, और हाँ मैं ये बता रहा था हम ना तीनों पेट्रोल पंप पे रुके हुए थे, मैं साहिबा समीरन वकील थोड़ा पीछे रह गया था, वकील साइड से ऐसे निकल गया, फिर हमने बोला वकील का पीछा करते धीरे धीरे, हम पीछा करते करते जा रहे थे आगे ना एक मोड़ आया, उसको रास्ता भी नहीं पता और साइड मिरर उसका पता कैसे ऐसे ये ऐसे इधर को, उसको सिर्फ उसमें अपनी शक्ल दिखती है, अभी दिखाऊंगा आप उसका साइड मिरर ना, तो उसने हमें पीछे देखा भी नहीं, कम से कम हम 3 किलोमीटर से उसका पीछा कर रहे थे धीरे धीरे, आगे मोड़ आया ना पुलिस वाले से रास्ता पूछा शिमला की साइड को पड़ेगा, भाई मेरे को इतनी हंसी आ रही, ये आगे इसका साइड मिरर देखो देख रहे हो, इसमें पीछे हम नहीं नजर आ रहे होंगे, इसमें खाली ये खुद को देख रहा है,
सही है भाई, लेकिन बढ़िया है, वकीला एंटरटेनिंग है, मजा आता है इसके साथ, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक चलता रहता है, ये भी हमारे साथ करता है, हम भी इसके साथ करते हैं, सही है ना, थोड़ा बहुत खून बढ़ता रहता है। और ये देखो कितना बढ़िया लग रहा है, क्या है ये, मोनेस्ट्री है क्या? हाँ मोनेस्ट्री सी लग रही है, हाँ वो आगे की साइड गेट है ना इसका, सही है। उस दिन रात को हम यहाँ से निकले थे ना, हनुमान जी क्लियर नज़र नहीं आ रहे थे, क्या सुंदर बनाए हुए हैं ना, देखो जैसे इस बच्चे ने कोनी बाहर निकाली हुई है ना, अंदर ऐसे पहाड़ों में कोनी मत निकाला करो, ये देखो ट्रक कितने पास से निकल रहा है, और वो सो रहा था, अभी मैंने अंदर करा ना उसको, ऐसे बोला हाथ लगा के, तो वो सो रहा था, बाय चांस ट्रक एकदम पास से निकले, कुछ हो जाए और एकदम से कोनी सीधा जाएगी बाहर ही बाहर। तो पहाड़ों में तो खास कर ये ऐसे, अगर कोई पहाड़ों से देख रहा है तो बस में ट्रैवल कर रहा है, कोनियाँ वोनियाँ सर्वर बाहर मत निकाला करो भाई, थोड़ा रिस्क रहता है। यूटर्न यूटर्न यूटर्न, पीछे दिखा मैं गन्ने का जूस वाला, गन्ने का जूस पी लेते हैं। और यहाँ पर है शिव मंदिर, बहुत ही सुंदर, लो भाई साहब सही है ना, थोड़ा थोड़ा खाना पीना लगा रहना चाहिए, हालांकि हमें जल्दी है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं है कि सारी चीज़ें इग्नोर करते हुए निकल जाएं। अब गर्मी हो गई है ना, आगे के रास्ते में पूरी गर्मी मिलेगी। जब तक जूस बन रहा है मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाता हूँ, बेहतरीन, नीचे नदी बह रही है और सूर्य जब तक किरने पड़ रही है ना चमक रही है। बाइक कहाँ खड़ी है हमारी, अब इसने पहली रोड पे जाके हाथ दिखा दिया उसको, यही तो दिखाना था, निकल जाता सीधा, अगर तू हाथ ना दिखाता ना ये गोली निकल जाता, इन्हें यहाँ के ब्रेक भरी बिल्कुल कोने पे। तू कहाँ जा रहा है, वहां कहाँ चला गया, यहाँ जगह नहीं थी, ऐसे ऐसे किया, कह रहा मैं अपनी जगह पे खुद लगाऊंगा। तू कौन है? मैं हूँ शहनशाह के शहनशाह, और मैंने अपने बालों में डेडलॉक ही बना लिया, जहाँ मेरे को लगाना होगा वहीं लगाऊंगा। अभी ये तेरे हेलमेट पे कुछ वो है क्या, इसके अंदर से सिर्फ रोड ही नजर आती है और कुछ आपको नजर ही नहीं आता है, सिर्फ सामने का देखते, वो घोड़े के बोले के हमेशा चलाया जाता, देख छुट्टी बाहर आ रही है तेरी इसमें से, वो इसको देख इसको देख इसको देख, एक बार उधर देखियो, एक बाल अलग से उठ रहा था इसका, लेकिन बढ़िया लग रहा है यार ये ना, बार बार है ये जिंदगी बार बार, वो क्या ग्लव्स थे, बच गए भाई ग्लव्स बच गए, आज कहाँ जाते पता, कहाँ जाते वो नीचे, देखो भाई यहाँ तो भी ढेर लगाए हुए नीचे यार, तो ग्लास यहाँ फेंक देते हैं क्या, वकील तूने भी यहीं फेंका है क्या। चलो जी जूस पी लिया ना, थोड़ा पेट सेट हो गया, हल्का फुल्का चला भी गया, और आगे गर्मी मिलेगी ना तो पेट में ठंडक करेगा वो, गन्ने के जूस की तासीर ना ठंडी होती है। और अब दिखा रहा है गूगल मैप 6:05 में हम लोग पहुँचेंगे शिमला, वैसे आज हमने सोचा था हम बाला लगा देंगे, बाकी देखो ना वही है जो ऊपर वाले को मंजूर है। लो जिलो स्कूल के बच्चों की हो गई है छुट्टी, आई थिंक यहाँ पर बस का इंतज़ार कर रहे हैं, किसका कर रहे हैं, सारे बच्चे यहीं पर खड़े हुए हैं, बस आएगी फिर लेकर जाएगी, मे बी यहीं आसपास ही होगा स्कूल ना इनका। ये देखो ये वही जगह है, एक बार हमने पहले भी दिखाई थी, ऐसा लगता है किसी जहाज के बड़े बड़े पार्ट्स हैं ये, कुछ अलग ही खड़ा नेक्स्ट लेवल ना, आई थिंक कोई डैम वैम मर रहा होगा ना, ये उसके पार्ट्स होंगे 100% ना, सारे बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पर ना, हाँ ये देखो ना, ओ भाई साहब धूम मचा ले, पल्सर चला ले, एक पल्सर वाला आ रहा है बड़ी स्पीड से, जाने देना इनको ना, चले गए, ये देखो वैसे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, जहाँ पीछे कैमरा ऑन किया था ना एकदम बड़े बड़े, ये देखो बीच में कम कम नजर आते हैं, ये एकदम से नजर आए तो मैंने सोचा कैमरा ऑन करके आपको दिखाता हूँ, देखने में ऐसा लग रहा है ना एकदम शाम हो गई है, 5-6 बज चुके हैं, लेकिन अभी भाई 3:30 हो रहे हैं दोपहर के, इस पहाड़ पे ना बिल्कुल भी धूप नहीं पड़ रही, कुफरी नारकंडा आने वाला है, एकदम ठंड मिलेगी मज़ेदार वाली ना, उसके बाद फिर गर्मी गर्मी गर्मी, शिमला पहुंचते नीचे गर्मी ही गर्मी, दिल्ली तक गर्मी। ये देखो राइट साइड में ना राइडर खड़े हुए हैं, ये सारे के सारे स्पीति जा रहे होंगे, क्योंकि स्पीति का ना लास्ट महीना है, इसके बाद स्नोफॉल हो जाएगी वहां पर, एक बकरी लेके जा रहे हैं सिर्फ, आराम आराम से चल रही है उनके साथ साथ,
इस महीने के बाद फिर स्पीति नहीं कर पाओगे, फिर होगा विंटर स्पीति, स्नो चेन ये अटरम शटर पटरम सब लेकर जाना पड़ेगा। इस टाइम कर लिया तो कर लिया, लास्ट टाइम है बस। साहिबा ने जैसी बाइक रोकी ना, वो भाई साहब टायर को टच करके देख रहे थे। लो भाई साहब पहाड़ों वाली मैगी खा लेते हैं, एक मजा आ गया। क्योंकि देखो अभी तक शिमला को ना दिखा रहा 6 बजे पहुंचेंगे, तो 6:15 ही पहुंच जाएंगे, 15-20 मिनट यहाँ रुक के। तो आज हम सोचा सोलन रुक जाएंगे शिमला से थोड़ा नीचे उतर के ना, और कल सुबह सुबह लगा देंगे दिल्ली। प्लान ऐसा ही है, बाकी देखो क्या होता है। भाई साहब ऐसी तगड़ी भूख लगने लगी थी ना, मैं ब्रेक मार ही लो, मैगी बोल दिए, चाय बोल दिए, तब तक मटर खा रहे हैं, तब तक हमारे वकील जी पहुंच जाएंगे। वकील हमसे ज़्यादा दूर नहीं रहता, आधा 1 किलोमीटर ही दूर रहता है। जहाँ जाम होता ना वहाँ थोड़ा पीछे होता, खाली रोड होती है। भाई साहब ऐसा भगाता है, ऐसा भगाता है, हमें भी नज़र नहीं आता, कभी कभार तो हमें भी पीछे छोड़ के चला जाता है। लेकिन बढ़िया मैगी आ रही है, मैगी खाते फिर आगे निकलते हैं। ओ भाई साहब सैडलिंग करता हुआ आ रहा है, क्या सैडलिंग करता हुआ आ रहा है, एकदम वहां से उड़ता हुआ आया था। मेरे को तो लगा था पहले यहाँ से यही ना निकल जाए, तेरे पीछे जगह है ना सीधा शिमला। लो जी चीयर्स 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 भाई, चीयर्स कहाँ जा रहा है, चीयर्स। लो भाई चीयर्स चीयर्स। और वकील ने मना कर दिया मैगी नहीं खाऊंगा, उसकी मैगी यहीं पड़ी हुई है, हम आधी आधी खा लेंगे। कह रहा मेरा पेट खराब होता है मैगी खाने से ना, बाल अच्छे लग रहे हैं इसके। लेकिन क्यों नहीं खा रहा मैगी, तेरा लास्ट पेट कब कश्मीर में खराब हुआ था ना, नहीं पेट नहीं खराब हुआ था, तूने ही तो बोला है। अरे वो आमिर भाई ने चढ़ा दिया था ना, क्या बोले नाले के पानी की चाय ये मैगी बनाई थी। अबे तब से तूने मैगी खानी छोड़ दी, कितना वो है तू वहमी यार। आमिर ने बोल दिया था कि नाले के पानी से मैगी बनाई थी, इसने मैगी खानी ही छोड़ दी, अब कह रहा मैं नहीं खाऊंगा, तब से खाई नहीं मैगी। भाई क्या होगा तेरा, हमारे वकील की ना सिर्फ एक ख्वाहिश और रह गई है, क्या ख्वाहिश है खुद ही बता दे। काली शक्ल को गोरा, कह रहा मैं थोड़ा गोरा और हो जाऊं, पूरे जयपुर में ऐसा आतंक मचा दूंगा ना, फिर सिर्फ मैं ही मैं हूँ, बाकी सब पानी कम है, हम ही हम है बाकी सब पानी कम है। ये देखो तूने वो वाली पिक्चर देखी है, वो जिसमें कहता है पानी, हाँ। वो छलतो की चुटिया कैसे खड़ी होती है, एक इसकी भी देखो, एक चुटकी एक चुटिया इसकी ना ऐसी खड़ी रहती है, ये भी थोड़ी देर पाइए देखो। अभी देख रहा दोबारा, इधर देख रहा। ये स्पेशल हमने उसको बोल के ऐसा करवाया, अब रुकियो 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 रुकियो। वो एक ऐसी रही। नीचे करना सारे, हाथ से नीचे कर, हाथ से नीचे कर, हाथ से नीचे, अरे नीचे मतलब पीछे को दबा दे, सारे दबा दे, अब छोड़ एक बारी। जयपुर का पहला चिल वकील हो गए, पहला चिल वकील, या तो इसको कोर्ट में घुसने नहीं देंगे या सीधे इसको जज बना देंगे, तुम ही जज हो। चलो जी लेट्स गो, 20-25 मिनट बैठे होंगे यहाँ पर, या ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा बैठे होंगे। जब रुके रहे तो गूगल मैप बता रहे 6 बजे शिमला पहुँचोगे, अब दिखा रहा है 6:34 पे, वही आधा घंटा बैठे हैं यहाँ पर, और हम सोचे सोलन उतर ही जाएंगे। मौसम एकदम चिल्ड हो गया, जैसे जैसे शाम हो रही है ना कुफरी में लगेगी तगड़ी ठंड। ओ यार ग्लव्स ही निकाल लेता दूसरे, चलो कोई नहीं देखते, ज़्यादा ठंड लगेगी फिर निकाल लूँगा। लो जी हम लोग पहुंच गए नारकंडा शिमला, यहाँ से 64 किलोमीटर। नारकंडा में ना मेरे को ये जो बीच में मंदिर बना हुआ ना ये बड़ा सुंदर लगता है, और आज तो क्या बढ़िया सजाया हुआ है, एकदम फूल ही फूल। HRTC बस वाला देखो भाई कैसे चला रहा है, एकदम बढ़िया। ये देखो ये मोड़ देखना, ये इससे आगे निकलने में भी डर लग रहा है, मोड़ ही मोड़ है ना, और हमारी स्पीड में भगा रहा है, क्या इससे आगे निकले, इसके पीछे पीछे चलते जा रहे हैं, कहीं रोकेगा सवारी सूरी उतारने के लिए बिठाने के लिए, तब आगे निकलेंगे। ये देखो मोड़ देखना, ये धूम मचा ले, छोले पूड़ी खा ले। हाँ खतरनाक चला रहा है वो, देखो ना ऑल्टो कहाँ से निकली, ओ भाई साहब। ये ना इनको आदत होती है चला चला के ना, एक एक मोड़ एक एक खड्डा याद होता है इनको, अब देखो यहाँ कोने में खड्डा था तो दूर से निकाल रहा है भाई साहब। हाँ देखा इसको क्या दबाया मैंने ना, कैमरा बंद कर दिया था, इतना गैप क्या टच ही हो गई थी बस उससे, गाड़ी वाले की जान सूख गई थी, गाड़ी वाले की शक्ल देखी थी, ये पेड़ देखो कितना अच्छा लग रहा है, ऐसे पेड़ अच्छे लगते हैं। और रुक गया बस वाले भैया, ए डोगो व्हाट आर यू डूइंग, ऐसे गंजे पहाड़ देख के मेरे को स्पीति की याद आती है, स्पीति और लद्दाख की ना। ये देखो ये रोड बनाने के लिए पूरा काटा होगा ना,
डरावना सा लगता है ऐसा पहाड़ देखने से ना, ये देखो पूरा ही काटा हुआ आगे तक। अब ये देखो ये ओरिजिनल है, मतलब ये मेरे ख्याल से काटा नहीं होगा, तभी पेड़ पौधे उग रहे हैं ना इस पे, एकदम ग्रीन है। जो काटा हुआ होता है ना एकदम रॉ दिखता है, ये देखो देखने से ही पता लग जाता है। यहाँ लगाता हूँ, कौन सी तन्नी लटक रही है? ओ भाई साहब कहाँ लटक रही है ये? हाइड्रेशन बैग की। अच्छा हाइड्रेशन बैग की तन्नी, ओ मैं बैग ढूंढ रहा हूँ। ओके ओके, कह रही तन्नी लटक रही है, मैं बैग की ढूंढ रहा हूँ। हाइड्रेशन बैग की तन्नी लटक रही थी। गरम वाले ग्लव्स ही पहन ले क्या लगे हाथ? गरम वाले ग्लव्स तूने गरम वाले पहने हुए हैं? ओ भाई साहब सामने फार्मिंग देख रहे हो, ये मेरे को लग रहा है एप्पल है या चेरी है, एप्पल ही होगा है ना, कई जगह चेरी भी होती है ऐसे ढक के उगाते हैं ना, पता नहीं गोपुरों में नजर आ रहा नहीं आ रहा, पूरा कवर करा हुआ है वाइट वाइट उससे ना जालियों से। ये महंगे वाला एप्पल होगा मेरे को लग रहा है, हाँ गोल्डन एप्पल होगा। हाँ ग्लव्स चेंज करने के बाद ना राहत मिल रही है। होता क्या ना इंसान के शरीर में ठंड दो ही जगह से चढ़ती है, या तो पैरों से या हाथों से। पैर और हाथ आपके प्रॉपर ढके हुए हैं ना तो आपको ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। ओए वो व्यू देखो भाई साहब, ऐसा लग रहा है बादलों में से रोशनी निकल के आ रही है, ऊपर जा रही है नीचे आ रही है, सूर्य देवता बादल के पीछे है ना, क्या सुंदर लग रहा है व्यू। पहाड़ों में घूमते घूमते ना एकदम से माहौल बदल जाता है, जज्बात बदल जाते हैं। अब यहाँ देखो यहाँ कोई व्यू नहीं है, मतलब पहाड़ों का व्यू है लेकिन वो वाला तो अल्टीमेट था। जैसे जैसे शाम होती जा रही है हल्का हल्का अंधेरा होता जा रहा है, बस अंधेरा होने से पहले शिमला पहुंच जाए, फिर उसके बाद एक घंटा का रास्ता रह जाएगा सोलन का, सोलन तक उतर जाएंगे, जितना चला सकते बाइक चला लेंगे, कल उतना ईजी हो जाएगा हमारे लिए ना। वो देखो देखो वकील वहाँ चला गया, देख के गाड़ी जा रही है। एक तो ये वकील ना, यहाँ हम खड़े हुए देखो कहाँ खड़े हैं, एग्जैक्ट देखो ये मोड़ पे खड़े हैं ना, बंदा मोड़ पे आएगा लेफ्ट राइट कुछ तो देखेगा, हमारे दोस्त यार खड़े होंगे, सीधा निकल गया और गूगल मैप दिखा रहा है यहाँ से, तो मैंने पुलिस वाले भाई साहब से पूछा यहाँ से भी दिखा रहा है यहाँ से, वहाँ से तो दिखाई नहीं रहा, यहाँ और वहाँ दोनों दिखा रहा है, अगर यहाँ से मत जाओ टूटा फूटा रास्ता है, यहाँ से चले जाओ ये सही पड़ेगा। वो तो शुक्र है तुमने पीछे मुड़ के देख लिया वकील को जाते हुए, नहीं तुम यहाँ खड़े होकर वेट ही करते रहते। उसके पैर छूने हैं वकील के, तू छू पहले। वकील कहाँ जा रहा है? ये देख भागी जा रहा आगे, रुक जा आगे मत जा, रुक जा मैं आ रहा हूँ। अरे फिर भाग रहा, रुक जा ना दो मिनट, एक मिनट रुक जा, एक मिनट रुक जा, आशीर्वाद दे। यहाँ से अपने को जाना है राइट। अभी बादल क्या बढ़िया लग रहे हैं, ऊपर अलग से रोशनी निकल के आ रही है और समझ ही नहीं आ रहा कौन सी रोशनी कहाँ जा रही है। आई थिंक सूर्य देवता ना उसी पहाड़ के पीछे गए हैं। सही है, अभी मैंने सीधा सोलन का लगा दिया है गूगल मैप ना, 71 किलोमीटर और ढाई घंटे दिखा रहा है, 8-1 बजे तक सोलन पहुंच जाएंगे। हो सकता है उससे पहले भी रुक जाए, लेकिन सोलन का लगा दिया, बीच में जहाँ मन करेगा वहाँ रुक जाएंगे। ऐसा लग रहा है पहाड़ पे महल बना हुआ है, कोई होटल होगा तगड़े वाला है ना, पूरा महल लग रहा है ना किसी राजा का। लो जिल्लो हम लोग पहुँच गए कुफरी, जिसको ज़्यादा ठंड पसंद है ना, मतलब जैसे शिमला घूमने आ रहा है तो शिमला से मेरे ख्याल से कुफरी है कितना, 15 या 18 किलोमीटर, तो कुफरी आके रुक जाए। जिसको कम ठंड पसंद है, हल्की धूप शाम का मौसम ठंडा चाहिए, तो शिमला रुक जाए, यहाँ मौसम एकदम ठंडा है। वार्मर पहन नहीं रखा, बॉडी में हल्की हल्की ना कपकपाहट आ रही है, लेकिन मज़ा भी आ रहा है। और थोड़ा नीचे उतर जाएंगे ना शिमला की साइड, फिर नॉर्मल हो जाएगा। कुफरी से ऊपर कोई ट्रैक होगा जहाँ घूमने जाते होंगे, वो तो वही, वो देखो हिप हिप हुर्रे बंदर खड़ा है बहुत बड़ा ना, इतने सारे घोड़े जा रहे हैं ना ऊपर, ऑरेंज ऑरेंज कलर की सीट बनी हुई है, बंदे आते होंगे घूमने वूमने लेकर जाते होंगे ऊपर बिठा के। ओ भाई साहब ये होटल देखो, क्या बड़े बड़े होटल बना रखे होते ना पहाड़ों पर। एक टेडी बियर पसंद आया, बाइक पर साथ लेकर जाऊँगा उसको, जो मेरे साथ घूमने जा सकता है बाइक पर बैठ के। 2 घंटे में सोलन पहुँच जाएंगे, दिखाऊं कौन से वाला पसंद आया मेरे को, ये वाला। कैसा सा लग रहा है ना, बड़े से मुंह वाला, चौड़े से मुंह वाला, और भी हैं, एक बार पसंद कर लेते हैं फिर आप। ओ भाई यार ये देखो क्या सही लग रहा है, कोको अपना कोको है ये तो।
देखो ये जो लगाया हुआ है ना, ये समीर ने लगाया, उसको पसंद आया, साहिबा करी कोई भी ले लो गंदा तो होएगा ही होएगा, बात तो सही है, क्योंकि हम इतने गंदे हो जाते हैं, हम नहीं पहचाने जाते तो ये कैसे पहचाने जाएगा। और मेरे को जो पसंद आ रहा है ना वो ये आ रहा है, ये तो नीरा ही सफ़ेद है ना, सबसे अच्छा तो ये नीरा सफ़ेद है, ये तो भाई पहचाना ही नहीं जाएगा, करे तो करे क्या। ओ भाई कोको के लिए बेड, ये बिल्ली के लिए। अच्छा बिल्ली के लिए है, ओके इसके लिए बिल्ली लानी पड़ेगी। तो भाई दो ले लिए, एक तो ये ले लिया, इसको तो मैं हेलमेट पहनाऊंगा, इसको मैं डाल रहा हूँ बैग में, वाइट है ना गंदा हो जाएगा। और एक मैंने ये लिया, ये यहाँ बैठा हुआ है, सही लग रहा है ना ये भी, ऐसे देखो अब ये मेरे साथ ही घूमेगा ऐसे। और देखो आगे बादल हैं, हल्की हल्की धुंध है, लाइट देख रहे हो, धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है। मौसम हो चुका है भाई यहाँ ठंडा, ये देखो पूरे बादल हैं, वो लाइट देखो ना कैसे धुंधली दिखाई दे रही, गोप्रो में इतना नहीं पता लगेगा, मौसम एकदम बर्फीला हो रहा है। ये रहे हमारे वकील साहब, वकील साहब आ जाओ, इनका बीच बीच पे फोन आ जाता है, इंटरकॉम चार्ज करना भूल जाते हैं। लाइट जला ले वहाँ पे, तो लाइट है तेज, ये देखो लाइट बंद लाइट ऑन, क्या तेज लाइट है ना, साइड से आ जाओ धीरे धीरे ना, जाम लगा हुआ है, जैसे सामने से कोई गाड़ी दिखाई दे दबा देंगे, तगड़ा जाम है भाई तगड़ा। ये देखो गूगल मैप देखो, पूरा रेड हो रहा है रेड, 3 किलोमीटर के दिखा रहा 24 मिनट, तो सोचो 3 किलोमीटर कैसा लंबा जाम होगा, ये शिमला से पहले ना लगता ही लगता है इस रोड पे ना। लो जी शिमला का बोर्ड आ चुका है, शिमला में आपका स्वागत है, तगड़ा जाम तगड़ा। मेरे आगे एक बाइक जा रही है, बहुत सारा सामान टांगा हुआ है, ट्रैवलर ही है, राइडर है, और पिलियन के साथ बहुत दिक्कत आती होगी भाई, कहाँ सामान बांधोगे, कहाँ पिलियन बिठाओगे। ये देखो एंडेवर वाले ने कहाँ घुसा रखी है, पीछे से लाया पूरा जाम तो लगा हुआ, और ज़्यादा जाम लगा दिया। अंकल गालियाँ दे रहे हैं उसको, गालियाँ तो नहीं बोल रहे होंगे, फंसा दिया। अभी देखना सामने वाले पहाड़ पे घर ही घर नजर आएंगे, वो देखो, ओ भाई साहब कितना ही बड़ा शिमला है ना, घर ही घर, और घर से ज़्यादा होटल होंगे ना ये। हाँ अब देखो लेफ्ट साइड में छोटी छोटी लाइटें हैं ना। हाँ शिमला भाई बहुत ही बड़ा। हम सोलन उतर रहे हैं थोड़ा नीचे ना, जितना उतर जाएंगे कल हमारे लिए बढ़िया रहेगा ना। ये देखो ये आ गया, कहा भगा था एकदम से ऐसे गोले। इसको भाई साहब टट्टी आई बड़ी तेज। अच्छा 40 आई, सॉरी, जैसी बाइक रोकी ना होटल देखने के लिए, भाई गोली की तरह ऐसे भगा। मैं कहा जा रहा है रेस्टोरेंट में कुछ खाने जा रहा है, कह रहा भाई आगे बताऊंगा अभी कुछ मत पूछो, अब आया 15 मिनट बाद, 15 मिनट से ही खड़े हुए हम। एक बार दोबारा बोल दे क्या करनी है अभी, बहनों की शादी। भाई साहब कितना चाड़ा है। मैंने वकील को बोला मैंने यहाँ पर ना रूम पसंद आ गया, आज एक रूम के पैसे तू दे, एक के मैं दूंगा। कह रहा मेरे को ही पहले बहनों की शादी करनी, मैं नहीं दूंगा दो रूम के, दो रूम मैं 20 दिन से नहीं कमा रही हूँ, 500 रूपए कमा 20 दिन में, तो नहीं देगा पैसे, मतलब 200 रूपए रोज की बात हुई, वो 2000 की रोज की बात। मैंने बोला एक रूप के पैसे आज तू दी हो, एक के मैं दूंगा। कह रहा मतलब ही नहीं है, मेरे को बहनों की शादी करनी, शादी करने के बाद बात करेंगे। मतलब जब तक इसकी बहनों की शादी नहीं होगी तब तक ये कोई खर्चा नहीं करेगा, ये सास भी नहीं लेगा। ये जान के ना सुन ना कुछ भी जान के ड्रामा कर रहा है। देखो, ठंड लग रही है इसको। चल अब काम मिलेगा आगे मिलेगा। समीर नंदा भाई इसका बैग खोल दिया है, अब हमने प्लान कर लिया हम होटल आगे लेंगे इसके भी। चल जल्दी कर बैग बांध रहा, नहीं बांध रहा हम, निकल जाए यहाँ से। अकेले ही तो बोला ही, रुक लेते हैं। हाँ। खोला बैग, अरे बैग बांध, ठंड लग रही है। चल ठीक है आगे मिलिए फिर, हम आगे होटल ले रहे हैं 10 किलोमीटर आगे। चल ठीक है, देखो तेरी बाइक की चाबी निकाल रहा भाई, कितना शौना है, देखो बैग बंद। चल ठीक है आगे मिलियो, तू चाबी लेके आज यार, इससे हम निकल रहे हैं आगे। उठाओ बैग। भाई साहब इतने प्यार से इतना मजबूत बैग बांधा था ना, कहीं तक नहीं हिलेगा, सीधा दिल्ली जाके खोलेंगे। शिमला क्रॉस करा जस्ट, अभी सोलन भी नहीं पहुंचे, सोलन भी 40 किलोमीटर है। हाँ सोलन भी कहाँ पहुंचे, सोलन भी 40 किलोमीटर है। होटल वाले भैया से पूछना, बोलेंगे वो शिमला ही रुके हो भैया, तुम अभी शिमला भी क्रॉस नहीं करा तुमने। चलो कूली भैया मेरा भी बैग उठा लो। आ रहा मैडम।
चलो जी, हेयर इज अवर रूम, वॉशरूम, रूम, ओ फैन, विंडो खुलती है क्या भैया? हाँ खुलती है, खुलती है। अच्छा खुलती है क्या? एक बार बाहर का व्यू भी देख ले। व्यू है। ओ भाई साहब, सुंदर, दिन में मजा आएगा। पूरा सामने पहाड़ी दिख रही है और आई थिंक वो कोई मंदिर है भाई, लाइट वाइट भी दिख रही है। बढ़िया बढ़िया, सुंदर व्यू। लेकिन मौसम, लेकिन मौसम ठंडा है। हाँ, पता लग रहा है, फील हो रहा है यहाँ पर खड़ो के मौसम ठंडा है। थोड़ा महंगा होटल था लेकिन चल जाएगा, चल जाएगा। कितने का रूम दिया उन्होंने? महंगा है भाई। कितने का? क्या? चल ठीक है, कर लेंगे मैनेज। आज हमारा दोस्त भी आया ना नया, आज इससे पैसे लेंगे। आज तू देगा पैसे, फ्री का नहीं खाएगा। हमारे साथ रहेगा तो पैसे तो देने पड़ेंगे, तेरे को समझ आ रही है? नहीं आ रही, कह रहा दे देगा। ये देखो, अबे अभी तो आया, रुक जा, बाद में कर लियो चोरी। पहले सब कुछ गद्दा लेके भाग रहा था, कह रहा बाइक पे उठाऊंगा, इस पे लेट के जाऊंगा कल। जा ले जा ना, रख दे इसको ढंग से यहाँ पर। अभी आया थोड़ा सफर तो हो गया। और ये देखो, और सबसे मेन चीज, अब चाबी खो जाती है ना, कहाँ टांग लिया इसने। आज तेरे को ठंड क्यों लग रही थी बाहर? ठंड लग रही है। आज बहुत चला ली ना तूने बाइक, थोड़ा एनर्जी ले लो। जनवन बताओ, तूने आज कितने किलोमीटर बाइक चलाई है? 120 किलोमीटर बस। हाँ, उसमें तेरी हालत खराब हो रही है। बस थोड़ी चलाई है, ये राइडर बनेंगे भाई साहब। और मुझे क्या कह रहा बाइक पे बैलेंस बनाना सीखो। सही है भाई साहब। चलो थोड़ा बहुत आराम करते हैं, उसके बाद आपको दोबारा मिलते हैं। लो भैया, अपनी एडिटिंग शुरू करने वाले हैं। लेकिन पकोड़े बोल के आते हैं ना, पकोड़े आ गए टेस्टी, एक नंबर, एक नंबर। तूने खाया भाई, कैसा लगा? बढ़िया, एक नंबर। प्याज और आलू मतलब सारे मिक्स हैं, ये मिर्ची भी है भाई साहब इसमें। मैंने गलती से मिर्ची खा ली भाई, धुआं निकल गया होगा। चटनी हरी वाली टेस्टी है, हरी चटनी नहीं ना पकौड़ों के साथ तो मज़ा ही नहीं आता। चाय भी मंगाइए साथ में। तो जिलो, यहाँ आ चुका है अपना डिनर। हमने मंगाई है वेज बिरयानी और सुनीता ने मंगाई है चिकन बिरयानी। वाह वाह वाह, अंडा एग बिरयानी, अंडा चमक रहा है ना। प्लेट सारी वहाँ पर है। डिनर करेंगे, उसके बाद करेंगे एडिटिंग की तैयारी, एडिट करेंगे और सोच रहे हैं कल दिल्ली लगा देंगे, जो कि हम बहुत दिनों से सोच रहे हैं लगाएंगे। आज भी यही सोच रहा, सुबह 8 बजे निकल जाएंगे दिल्ली लगा देंगे, लेकिन निकलते बज गए 1। शिमला हल्का सा क्रॉस करा, शिमला से 5 या 10 किलोमीटर बाहर आएंगे और यहाँ पर हमने ले लिया स्टे। यहाँ से जो दिल्ली है ना, अभी भी 350 किलोमीटर बचा हुआ। अगर सुबह 10 या 11 बजे तक निकल जाते तो शाम तक दिल्ली लगा देंगे। अगर नहीं निकलते तो मेरे को लग रहा है कल ये ना अंबाला में हम ब्रेक ले रहे हो। ऐसे ब्रेक लेंगे तो घर पहुंच ही नहीं पाएंगे हमें ना, जल्दी जल्दी पहुंचना है। चलो ठीक है, कोशिश करते हैं। हमें जल्दी किस चीज़ का है? जल्दी इस चीज़ की, क्योंकि हमें वहाँ जाके डिलीवरी लेनी है ना भाई। तो काम संभालना है। चलो ठीक है, इसी का इस वीडियो पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको आज की वीडियो मजा आया होगा। यहाँ तक आपने वीडियो देख लिया, लाइक करें मैंने बिल्कुल मत जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। मिलते हैं किसी बड़े वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय 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 बाय। खाना खा लो। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ। अब शोहरत पाली मैंने, दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।